चलो। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3, जो कि हिंदी मीडियम हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपके सीबीएसई बोर्ड, अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखोगे तब भी सेम क्वेश्चन वही हैं, और हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, मतलब दोनों भाषा में हम आपको समझाएंगे। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चों के नाम हम बोलेंगे जो टॉप पे मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि हंसराज कुमार, मनीष कुमार, मनोज सिंह, सौरभ, मनीषा, प्रियंका सिंह, यूनिक सोल्यूशन, रविशंकर, आदित्य दुबंसी और आभा कुमारी और सोनम राय और भाई विक्रांता मौर्य जी जुड़ चुकी हैं, अनूप मिलन और जय सिंह, बहुत से बच्चे जुड़े हैं, सैकड़ों बच्चे से ज़्यादा जुड़े हैं लाइव सेशन में, तो सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसे देखिए, कोई भी घर बनाने के लिए हमें बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो हमें अगर मकान बनाना है, आप सभी जानते हो, तो उसमें हमें ईंट लगाना होता है, सीमेंट लगाना होता है, बालू, पत्थर, चूना, जो भी ककड़म बगड़म बहुत कुछ लगाना होता है ना, उन्हें हमें पहले से क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, ढूंढना खोजना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पहले इसके मटेरियल इकट्ठा करेंगे। मटेरियल मतलब जान रहे हो भाई, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो जो टॉपिक है उसके बारे में आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ये जो 1.3 है, वैसे अगर बात करें तो पहला चैप्टर ही पूरा क्या है, संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में एक महत्वपूर्ण इसका अंग है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो जो एक्सरसाइज 1.3 आप पढ़ोगे, इसमें रियल नंबर का कुछ गहराई से ही पढ़ना है। तो वो क्या है समझो, अगर हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों, पहला क्वेश्चन तो हम करवाएंगे, पहले आपको बताएंगे जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके बाद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है, यही तो बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, और ये बताना है कि किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन आप जानते हो कई तरह का होता है भाई, इंग्लिश में यही तो बोलते हैं ना, एक्सपेंशन ही तो बोलते हैं ना इसको बच्चा, हाँ। देखो, कई तरह का होता, मतलब एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है। तो आपको जो फ्रैक्शन इसमें दिए गए हैं आपको उनको भाग दे दे करके यही बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन पहले तुम इसका कॉन्सेप्ट तो जानोगे तब तो कर पाओगे ना बच्चों। तो पहले आप हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, हिंदी मीडियम वाले लिख लें वास्तविक संख्याओं का परिचय, लिख लीजिए वास्तविक संख्याओं का परिचय, लिखिए वास्तविक संख्याओं का परिचय, लिख लिए। तो बच्चों, ये हेडिंग डालने के बाद तुम क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो, रियल नंबर का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या मैंने रियल नंबर ही तो लिखा है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके बारे में पहले समझ लो, हेडिंग डालो फटाफट, हिंदी में भी बताऊंगा अभी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स क्या है भाई, एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे समझो ये क्या होता है, इसको हिंदी में भी बताऊंगा अभी। बच्चों, इसे हिंदी में बहुत शुद्ध तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। जैसे अगर मैं आपको भाग करने को बोलूं कोई नंबर को, तो भाग तो आप लोग कर लोगे, हाँ कर लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे समझो बच्चों, शांत दशमलव जो है, जैसे अगर मैंने कहा कि भैया 5 में 10 से भाग करो, बोलो सभी कर लोगे, हाँ कर लोगे, बहुत सिंपल सा है। आप कहोगे कि गुरुजी 0.5 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 में 100 से भाग करो, तो आप कहोगे गुरुजी इतना हो जाएगा, ये तो आप आराम से कर लोगे बड़े प्यार से। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, वो क्या समझना है कि सिर्फ 0 वाले ही तो नहीं मिलेंगे ना, आगे चल के बहुत तरह के मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा।
तो इसमें आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। देखो बच्चों, सात दशमलव क्या होता है, वो फ्रैक्शन या फिर वो दशमलव प्रसार जो पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और शेषफल जीरो आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, या फिर शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है जिसका शेषफल जीरो आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, एक और भी लिख लो, 45/100 ये बराबर आएगा 0.45। इसका मतलब पहले आप समझ लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो बच्चों जैसे अगर हम ये 45 में 100 से भाग करेंगे तो आप सबको पता है कि इसका भाग इसमें कर लोगे ना भैया, ब्रजेश यादव पढ़ाई कर लो बेटा, नहीं ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, यहाँ बातचीत करने का टाइम नहीं है। अब मैट्रिक में कुछ नंबर नहीं पाए थे, फेल हो गए थे, हाँ हम फेल हो गए थे, उसके बाद फिर हम पढ़ाने लगे, समझ रहे हो। अब चलो, अब तुम खुश हो गए ना, देखो हम कितना पाए थे, क्या किए थे, वो तुम कभी कर पाओगे जब तुम मेहनत करोगे ना यार। हमारे तो 100 में 100 मैथ में आए थे, तो क्या तुम भी ला सकते हो, बताओ, ला सकते हो ना, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ लो अब चुपचाप। चलो देखो इधर, इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, हमें पता है पहले ये 0 बार जाएगा, हाँ कितनी बार जाएगा भैया, 0 बार जाएगा, कौन है यार, 0 बार, आप इसको पहले एक बार ले जाओ क्योंकि उसके ज़्यादा भाग जाएगा नहीं इसमें। तो एक मिनट इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, ये सब बहुत नालायक टाइप के हैं, चल कर लो। तो पहले आप क्या करोगे, 0 बार ले जाओगे, तो भाई 0 बार अगर ले जाओगे तो यहाँ पे 0 आएगा, घटाओगे तो 45 आएगा। कुछ लोग कहेंगे एक बार काहे नहीं ले गए भैया, 100 1 कम 100 ज़्यादा हो जाता, फिर कहोगे 0 बार ले जाने से फ़ायदा क्या हुआ। बाबू देखो 0 बार ले जाना ज़रूरी है, डायरेक्ट आप 1 नहीं ले जा सकते, 1 जाएगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब हमारा ये 4 बार जाएगा तो ये 400 आएगा, अब घटाओगे तो 50 आएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है, नीचे दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो बच्चों फिर क्या करोगे, अब तुम 5 बार ले जाओगे, हाँ भाई 50 आया था, ऊपर से मैंने एक 0 उतार लिया, क्योंकि एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद तुम बार बार 0 उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझो, अब 5 बार ले जाओगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये भाग करने पर हमारा इतना मिला। शेषफल कितना आया, सभी बच्चे बताओ जल्दी से, अनूप मिलन बताओ, नीतीश, नवनीत, छोटे लाल। देखो हम हर दिन क्लास में नाम नहीं बोलेंगे, याद रखना, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइव नहीं है, नाम नहीं बोल रहे। तो शेषफल कितना आया, प्रशांत शर्मा, PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भैया बाबू, उसमें जाके इनरोल कर लो कोर्स और पढ़ लो, हाँ जाके आज ही तुरंत इनरोल करो फटाफट। शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया गधों, कितना आया है, 0 आया बाबू, कितना आया है, 0 आया है। तो एक प्रकार से यही हम आपको बताने वाले थे कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसका शेषफल 0 आ जाए भाग करने पर, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है या शांत दशमलव कहलाता है। अब मैं यही नहीं बताऊंगा बार बार, नहीं तो 8 घंटा मैं यही करता रहूंगा। और सारे एग्जांपल तुम करके देखो, जैसे 7/2 इसको भी कर लो, 1/2 इसको भी कर लो बच्चा, और 8/10 इसको भी कर लो, ये सभी क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल हैं, और भी लाखों एग्जांपल हैं, करोड़ों हैं, बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना बच्चा कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जब हम 0 शेषफल लाते हैं भाग करके, मतलब 0 आ जाए, तो टर्मिनेटिंग कहलाता है। जिनको सीखना है पूरा देखो, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आपके घर में भैया दीदी भाभी अंकल आंटी हैं, वो भी इसको देख सकती हैं, क्योंकि उनके कंपटीशन में भी आता है। सीटेट सुपर टेट वगैरह में आप देखोगे तो SSC वगैरह देखोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, हाँ लटक जाते हैं उसी में, क्योंकि बेसिक नहीं आता है। हरि ओम रावत। तो बच्चों इसको समझ के जो लिखने वाले हैं लिख लें, इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप, इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप्स, ये इसकी इंग्लिश परिभाषा हो गई। हिंदी में आप लोग परिभाषा इसका लिख लोगे कि शांत दशमलव प्रसार में कुछ स्टेप करने के बाद शेषफल 0 हो जाता है। अगला इसमें क्या है, कोई बताएगा टाइटल, हाँ अगला टाइटल कोई बताएगा,
देखो बच्चों समझो, नॉन टर्मिनेटिंग है अगला, ये आपका पहला था इसमें। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग भैया देखो इसका इंग्लिश भी बता रहा हूँ हिंदी भी, क्योंकि हमारे यहाँ CBSE बोर्ड के बच्चे भी होते हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से भी होते हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के होते हैं, पूरे देश के बच्चे हैं, तो उनको हिंदी अगर नहीं समझ में आती तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अमेरिका वाला भी समझ जाएगा इसका मतलब क्या है, लेकिन हिंदी में नहीं समझेंगे। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, इसको लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, या फिर इसे रिपीटिंग भी लिख सकते हो, जिसे एक प्रकार से आप क्या कहोगे भाई, इसकी जो हिंदी है बड़ी खतरनाक है, अनौसानी पुनरावर्ती, या फिर हमें लगता है यही अशांत दशमलव प्रसार है, यही क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, इसका हिंदी जो मुझे मालूम है जो मैंने ढूंढा है इंटरनेट से वो लिख लो, अनौसानी, आपके बुक में भी यही दिया है, अनौसानी और पुनरावर्ती, हिंदी इसकी बड़ी खतरनाक है, जो हिंदी पढ़ते हैं उनको पता होगा। देखो समझो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग या अनौसानी पुनरावर्ती क्या होता है बच्चों, ये ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें भाग करने के बाद में शेषफल जीरो नहीं आता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन रिक्वायरिंग मतलब रिपीट करता है, रिपीट करता है बार बार साइकिल की ऐसे चैन जैसे, जैसे साइकिल देखे हो, साइकिल में एक ही चैन होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसा नहीं खत्म हो जाए ना भाई, पंखा देखे हो छत में घूमता रहता है, ऐसा नहीं खत्म हो जाए भाई घूम गया पूरा, तो क्या होता है इसमें रिपीट होता है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे चिराग बेटा तुम 5 मिनट के लिए गए, समझो इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे 1/3 इसका क्या है एग्जाम्पल है, अब मुझे सभी बच्चे ये बताओ 1/3 अगर इसको हल करोगे तो कितना आएगा, चलो जल्दी बताओ, ब्रजेश यादव बच्चा पढ़ाई कर लो जो हो रहा है, हाँ 11th का क्लास अगस्त से चलेगा, अगर चलेगा तो अभी कंफर्म नहीं है, 11th 12th का अगस्त से, कक्षा 10 का जो चलेगा वो 15 जुलाई के बाद से हमारी कोशिश है, लेकिन कक्षा 10 के बहुत बच्चे नहीं हैं, कक्षा 10 में बच्चे कम हैं, अगर 100 बच्चे से कम रहते हैं तो हम लाइव में पढ़ाते नहीं हैं, मतलब लाइव क्लास चलाने के लिए कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए, 100 से कम होते हैं तो हम लाइव नहीं चलाते हैं, तो कक्षा 10 में अगर आप 100 जोड़ सकते हो तो बताओ, ठीक है। देखो इसका मैंने पूछा था कितना आएगा, कौनों नहीं बताया, मुकेश शर्मा जी बता रहे, बस भाई मैंने सबसे पूछा बच्चा 1/3 कितना आएगा, देखो बेटा अगर इसको हम भाग करें तो इसको तो खतरनाक हिंदी इसकी हटाओ यहाँ से, इसको ऊपर लिख देते हैं, चलो भाग करते हैं, आप लोग जान गए हो अनौसानी पुनरावर्ती, क्या है ये अनौसानी पुनरावर्ती, ठीक है इतना क्लियर है ना भैया, तो इसका क्या होता है ना भाई बाबू, देखो इसका जब भाग करोगे तो 0.333333333 ऐसे होता जाएगा, कब तक जाएगा पता है, अभी तो तुम बच्चे हो पढ़ रहे हो, ये तब तक जाएगा जब तक तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे चुन्नू मुन्नू आ जाएंगे 2-4, हाँ फिर कहेंगे पापा अब बस करो अब नहीं कटेगा ये, मतलब अब ये भाग पूरा जाएगा नहीं, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा, समझ गए ना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है भैया। जितने भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है लाइव के बाद आपको चैनल ना मिले, हाँ तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अभी देर ना करो, फटाफट चैट का ऑप्शन हटाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, घंटी बजा दो तुरंत, चलो और सेशन को लाइक करो, बहुत मस्त टॉपिक होने वाला है, फटाफट करो चलो। तो ये हो गया, लेकिन क्या ये ऐसे लिखते हैं इसको फैला करके, नहीं, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं ये 3 के ऊपर 12, मतलब इसी में सब कुछ समझ जाता है, वो कैसे है देखो मैं समझो इसको बताता हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे आ कैसे गया ये तो बताया नहीं, देखो जैसे बच्चों अगर 1 में हम 3 का भाग करें तो ये जाएगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं पहले 0 बार ले जाते हैं, यहाँ पे 0 आता है घटाएंगे 1 आएगा, उसके बाद ऊपर दशमलव बढ़ाते हैं फिर यहाँ 0 उतारते हैं, कोई भी संख्या में अगर कोई भाग नहीं जा रहा है तो ये मत कहना नहीं जा रहा है, तुम 0 बार ले जा सकते हो हमेशा, 1 बार भले ना जाए लेकिन 0 बार जाएगा, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है,
तो बच्चों ये 3 बार जाएगा तो ये 9 आएगा, फिर घटाओगे फिर से वही 1 आ गया। अब बार बार दशमलव नहीं बढ़ाते हैं, एक ही बार दशमलव बढ़ाते हैं, बार बार जीरो उतारते जाते हैं, उतारते जाते हैं हजारों बार। फिर ये 3 गया, फिर ये 9 आ गया, मतलब इसकी आदत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जैसे भी ये कुछ भी करो, इनका ये ख़त्म होने वाले हैं नहीं, तुम जितना बार भी कर लो। रंजू देवी पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं पटक देंगे उठा। चलो कितना आएगा, इतना आएगा ना, हो गया। तो इसको आप समझ गए इस तरह से, अच्छा और बताओ मुझे। वैसे तो मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, बहुत ज़्यादा करना है नहीं। अगला एक और लिख लो, 1/7, 1/7 ये कितना आएगा, चलो करके बताओ फटाफट। देखो बच्चों, ये आपका 1.3 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। वैसे आपको ये क्लास पिछले साल के शुक्ला सर ने पढ़ाया था, कृष्णा कुमार शुक्ला सर ने पढ़ाया था कॉपी पेन से, तो तुम लोग रो रहे थे, कह रहे थे नहीं सर जी आप बोर्ड पे पढ़ाओ ना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ तो मैं इसलिए बोर्ड पे पढ़ाने लगा, तो बोर्ड में भी तुम लोग की जब निकल रही तो मैं क्या करूँ, बताओ। हाँ बताओ। सोनू एस पे पटेल भाई बताओ, सोनू ठीक हो ना, हाँ लड़का बच्चा ठीक है कि नहीं, सब ठीक है ना। चलो समझो आगे, एक अगला इसमें लास्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉर रिक्वायरिंग मतलब रिपीटिंग, ये 3 ही टॉपिक है इसमें। लिखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिक्वायरिंग मतलब लिख लो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, यहाँ पे समझो, समझो। देखिए बच्चों, ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें ना तो रिपीट होता है और ना ही कटता है। ये वैसे सरकारी नौकरी की तरह है, हमारे इंडिया में जैसे वैकेंसी आती है इतना ना वो पूरा होती है ना वो कैंसिल होती है, बच्चा पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 10 साल खिसक जाता है। हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पीछे, देखो समझ रहे हो ना। चलो देखो, तो इसको क्या करेंगे, लिखो, अच्छा इसके इंग्लिश नहीं लिखवाया क्या ऊपर वाले का, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप, जो अभी मिटा दिए उसको लिख लो, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप। इसका इंग्लिश डेफिनेशन लिख लो भैया, इंग्लिश डेफिनेशन लिख लो बाबू, क्या लिखोगे, इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो नॉर रिपीट, इसका इंग्लिश परिभाषा लिख लो, इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो नॉर रिपीट, NOR लिखना, ठीक है। हिंदी में लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दशमलव प्रसार में शेषफल ना तो शून्य आता है और ना ही रिपीट होता है, ना तो शून्य आता है और ना ही रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो, जैसे 22/7 अगर तुम करके देखो, भाग दे के देखना कितना आता है फिर बताना। हाँ और एक और, ये अंडर रूट 2, इसका मान भी करके देखना फिर बताना, 1.401 समथिंग ऐसे आता जाता है, इसको भी करके बताना, ठीक है। तो ये था आपका जो इसमें का 3 टॉपिक, वो मैंने आपको बताया। ऋतिक सिंह आ रहा समझ में, चिराग बेटा काहे मुंह बना रहे हो, पढ़ लो, पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो जाओ कुछ काम धाम करो, भैंस को चारा वारा डाल दो। हाँ समझ रहे हो ना, गोबर ओबर बाल लो। आपका हो गई कौन सा काम है भाई, जो पढ़े लिखेगा नहीं क्या करेगा बताओ। जो नहीं पढ़े लिखेगा वो क्या करेगा, कोई ना कोई काम तो करेगा ना। तो उज्जवल सिंह चलें आगे बढ़ें, ठीक है सब कुछ मजा आ रही, समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले तो तुम जितने लोग जुड़े हो तुरंत लाइक करो, अब लाइक करो उसके बाद आगे बात करेंगे, नहीं तो उसके पहले हम बोलेंगे नहीं। चलो फटाफट लाइक करो, चलो ब्रजेश बेटा तुम अब शांत हो जाओ, नहीं तो तुमको हम उठा के फेंक देंगे, निकल लोगे यहाँ से, समझ रहे हो ना, शांत हो जाओ तुम। हुआ सभी किए, फटाफट लाइक करो, मैं देख पा रहा हूँ कौन नहीं कर रहा है, कंजूसी नहीं करना भाई, बेईमानी नहीं, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें,
पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब तुम अगर बेईमानी करोगे तो फिर ये हजम नहीं होगा। चलो देखो, बिल्कुल एक बात बता दूँ, नहीं पढ़ोगे ना तो ना नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, हाँ छोकरों नहीं मिलेगा जो छोकरियाँ हैं उनके लिए, तो फिर आगे चिल्लू मिल्लू नहीं आएंगे, फिर आगे कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो ना? तो इसलिए पढ़ लो, बस यही एक छोटा सा उदाहरण है जिससे तुम समझ सकते हो, पढ़ लो। समझ गए ना? कक्षा 9 में पढ़ते हो अभी, होगा क्या? नहीं पढ़ो लिखोगे, महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही मालूम है, सब्जी लेने को भी पैसा नहीं रहेगा। हाँ सब्जी 100 रुपये किलो मिल रही है भाई, परवल हमारे इलाहाबाद में 80 रुपये किलो मिल रहा है, टमाटर 60 रुपये किलो मिल रहा है, प्याज 80 रुपये किलो मिलने लगती है, क्या करोगे? तेल 200 रुपये किलो मिल रहा है, खाओगे नहीं? हाँ इसलिए पढ़ लो। मम्मी पापा कब तक करेंगे सोचो, अगर आप कक्षा 9 में हो तो मम्मी पापा कब तक करेंगे? तुमको तो कभी ना कभी करना पड़ेगा ना, इसलिए पढ़ लो। चलो देखो इतना हो गया, तो बच्चों अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, क्लास 9th NCERT मैथ में। ये बताओ सबसे पहले कौन कौन किताब लिया है? किताब लिए हो सभी? बोलो यस या नो। बुक लिए हो? रोज़ पूछता हूँ ना, किताब लेके आया करो, अच्छी से पढ़ना है तो। हाँ चलो देखो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है यहाँ पे समझो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है 36/100, क्या है? 36/100। तो भैया चलो लिख लो बाबू, सभी बच्चे इसका बताओ, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? चलो बताओ भाई, फटाफट बताओ बच्चों। दूसरा बताओ, 1/11 दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? नितेश कुमार, हरिओम गौर, हरिओम आ गए भाई, ये तो भगवान है, इनको सब्जी से कोई मतलब ही नहीं, कह रहे इनको चैप्टर पढ़ा दो बस, इनको सब्जी के भाव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब्जी नहीं खाते हैं, ये कुछ और खाते हैं, जो लोग नहीं खाते उसको खाते हैं ये, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब दशमलव प्रसार शांत है या और क्या कह रहा था, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये पूछ रहा था। तो ठीक है बच्चों, कर लो फटाफट, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो फिर कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता इसको करने में। देखो हाँ, स्लो मोड हटाओ, इनके दर्द हो रहा है, स्लो मोड हटा दो तो ये कॉपी पेस्ट करें। 36/100 ये इतना आएगा ना, 2 अंक पे दशमलव लगेगा ना, क्या होगा? 2 अंक पे डेसिमल लगेगा। तो बच्चों ये कहने का मतलब है कि शेषफल 0 आएगा, जब हम 36 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, 0 उतारोगे 36 आएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0 उतारोगे 3 बार जाएगा भैया, 3 बार जाएगा बबुआ। अब ये भाग करना तो तुम जानते हो, इसमें तुम्हें बताऊंगा नहीं कि हाँ इसको भी बताऊं कि भाग कैसे होता है। अब जब ये भी नहीं जानते हो तो 0 लेवल गणित देखो, चलो समझो। तो बच्चों अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि शांत होगा। आप लिख लो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, या फिर लिख लो ऐसे शांत, ठीक है? क्या लिख लो? शांत, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या है? दूसरा भैया खतरनाक है मुझे लग रहा है, दूसरा खतरनाक है बच्चा। पहले तो तुम भाग करके मुझे बताओ कितना आएगा, 0.09090909 ऐसे जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, है ना भाई? अनुराग सिसवाल कुछ नहीं, सौरभ मौर्या बेटा तुम जाओ कुछ और करो। हाँ देखो ये आप भाग करोगे, बार बार रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, मतलब क्या कहोगे इसे फिर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अगर पढ़ना है तो क्लास छोड़ के ना जाना, बाकी अगर जाना है तो निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे समझो ये कैसे लिखा हूँ बच्चों, ये कटेगा नहीं
और बार बार रिपीट होगा, कुछ ही गिनती लेकर के क्या होगा, ये रिपीट होता रहेगा। जैसे देखो तुम इधर समझो, हमें क्या करना था, हमें 1 में 11 से भाग करना था, मतलब 1 में 11 से भाग करना है। तो पहले हम 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 0 बार जब ले जाते हैं भैया तो 0 आता बाबू, क्या आता है, 0 आता है। लेकिन 0 ले जाने के बाद भी अभी ये भाग ले जाने के काबिल नहीं बचा। गलत है, इसे नहीं होता है। जब ऊपर 0 बार तुम ले गए तो वहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 बार ले जाने पे ही आएगा, इस मतलब मैदान में आ जाता है, समझ गए, इसका ये मतलब होता है। तो बच्चों ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, ऊपर 10 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, लेकिन अब भी ये भाग ले जाने के काबिल नहीं बना। अब फिर क्या करेंगे भैया, जब नहीं पूरा हो रहा है, वो छोटा पड़ रहा है, 10-11 बड़ा है, तो ऊपर 1 बढ़ाओगे, तब यहाँ 1 और उतारोगे। याद रखना, अगर किसी गिनती के बगल में 2 उतार रहे हो तो हमेशा ऊपर 1 बढ़ा के तभी उतारोगे। ऐसा नहीं कि एक बार 10 बढ़ा दिए तो तुम थोक रेट में 10-20 उतार लोगे, नहीं, सिर्फ 1 ही अलाउ है, उससे आगे अलग चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। दीपक पटेल कुछ बुझा रहा बच्चा, चलो अब ये 9 जाएगा, तो बच्चों ये 99 आएगा, फिर घटाओगे फिर ये 1 आ गया। अब इसकी गरीबी फिर से वैसे शुरू हो गई, ऊपर 10 बढ़ाया है तो 0 तो उतार लिया, लेकिन फिर भाग नहीं जा रहा है, मतलब महागरीबी है इसके यहाँ। तो क्या करेंगे अब, अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से 1 बढ़ाएंगे, फिर 1 उतारेंगे, और फिर ये 9 जाएगा, और तुम देख पा रहे हो ये फिर वहीं पहुंच गया। ऐसे करते जाओ बार बार करते जाओ, वही आएगा, कभी ये कटेगा नहीं। समझ में आया ना, पल्लवी मिश्रा आ रहा समझ में, सबको समझ में आ रहा है ना। मुझे लग रहा है ब्राइटनेस थोड़ा कम है क्या, हाँ थोड़ा कम चमक रहा है ना, चलो ओके गुड। तो ये ना तो कटेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, मतलब इसे हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, अनौसानी पुनरावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखो, अनौसानी पुनरावर्ती, इंग्लिश में लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, हिंदी वाले लिख लें, हमें लगता है यही क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, लिख लो अशांत दशमलव प्रसार, लेकिन मुझे इसकी हिंदी बहुत अच्छी क्लियर नहीं है, अनौसानी पुनरावर्ती इसकी हिंदी होगी, आपके उत्तरमाला भी ऐसे ही लिखा है, अनौसानी, सानी है कि सनी है, पुनरावर्ती। देखो आप केवल मतलब समझ लो, बाकी ये चीज़ तो तुम कहीं से भी जान लोगे हिंदी उन्दी का होती है, ठीक है। यानी अगर शेषफल 0 ना आए, बार बार कुछ गिनती रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन अगर शेषफल 0 आ जाए इस तरह से तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अभी और जूम करें, कम मजा आ रही है, तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि मैं फालतू चिल्ला रहा हूं। समझ में आ रहा ना सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लिया, इसमें 1-2 जो और हैं उसको अब कर लेना, मैं क्या बताऊं, फालतू कर लोगे कि नहीं, तीसरा बताओ, अब तुम बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, और नहीं बहुत मारूंगा पटक पटक के, इतना जान लो, अब नहीं बताओगे तो कल से मैं पढ़ने नहीं दूंगा, चलो काम चोरी नहीं करना है, ठीक है, और जो काम चोरी करेगा ना उसे यहाँ पर पढ़ाना नहीं दिया जाएगा। देखो समझो, तीसरा 4 × 1/8, चलो बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। मनोज सिंह बेटा और देर में आओ, हाँ और देर में आओ, 7 शुरू होती है, तुम 9 आओ, फिर अभी देखो क्लास ख़त्म हो जाएगी ना, तो वॉच रिप्ले का ऑप्शन आएगा, दोबारा देख लेना, जो बच्चे 7 नहीं जुड़े थे वो बच्चे इस क्लास को रिपीट कर लेंगे, रिपीट कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। चलो
इसीलिए तो मैं 10 सेकंड के लिए लगाया हूँ रोक। कुछ ऐसे नालायक है ना जो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो बेटा दो बार पेस्ट करते हैं होता ही नहीं है, तब तक किसी और का कमेंट आ जाता है। नहीं तो ये जो इमोजी आ रही ना सौरभ की, ये लगातार केवल इन्हीं का दिखता है जलवा, बाकी किसी का ना आता। अगर कोई मैसेज टाइप करेगा, तो फिर आएगा कमेंट, अगर वो पेस्ट करेगा तो नहीं आएगा। कर लोगे ना भैया? अबे बोलते काहे नहीं तुम लोग, हाँ कौन नहीं बोल रहा है, कर लोगे ना? हाँ जमर रापट मारेंगे ना, दिमाग हरेर हो जाएगा, नहीं करोगे तो जान लो। तुमको पता है ऑफलाइन पढ़ाते ना बहुत मारते थे जो ना करता था, हमारा होमवर्क सब करके लाते थे, चाहे और गुरुजी का करें या ना करें। 9th-10th वाले बहुत फास्ट करते थे, उनको पता था मैथ में नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे समझो, ये अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये 33/8 आएगा। अगर इसको भाग करोगे बच्चा तो करके देख लो, फिलहाल बड़ा डेंजरस आएगा मुझे लग रहा है ये। हाँ कट जाएगा, बिल्कुल सही, रंजू देवी बता रही, बहुत अच्छे। जसबिंदर सिंह बहुत अच्छे, वेरी गुड। साजन कुमार, हाँ भैया कट जाएगा बाबू, ठीक है, बहुत अच्छे। यही तो हमारे सबसे प्यारे लाडले बच्चे हैं, ये देखो 4.125 आएगा बता रहे हैं। और कुछ तो ऐसे गधे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब बैठे हैं आराम से, अभी छाप लेंगे बस। देखो तो बच्चों जब ये जीरो शेषफल आ जाएगा, इतना भागफल आ जाएगा, कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो आप इसे लिख दोगे टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग है, मीन्स शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या शांत दशमलव प्रसार। तो इसमें एक और भी है, जो भी आप कर लोगे, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, लिख लो तुम लोग, कर लेना, मैंने सारा गुण सिखा दिया तुम्हें। चलो बताओ 4 वाले का जवाब दो फटाफट सभी बच्चे, उसके बाद 5 वाला बताना, 2/11। सभी बताओ, सभी फटाफट। उसके बाद 3/9 400। चलो सोवन पंडित, चिराग, ऋतिक, ब्रजेश, सोनू, सोनम, निशांत, ठीक है बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलो फटाफट आए रहो भाई, आए रहो। हाँ मनोज यादव आ रहा समझ में, केशव दुबे, सबको आ रहा ना बच्चा, अंशु आ रहा है, प्रियंका सिंह आपको भी आ रहा है ना। अच्छा ये बताओ आप लोग क्लास को क्या नहीं लाइक किए भाई, हाँ ऐसे मजा आएगी क्या? सभी साथी जल्दी से सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, तुरंत करो, देर नहीं, नहीं तो कल फिर रोओगे, फिर कहोगे क्लास नहीं मिली। हाँ फोन करोगे दिन भर, डंडा करोगे, रात के 12 बजे वीडियो कॉल कर दोगे, देख लें कहाँ है, हाँ मतलब तुमको हम 12 बजे रात में दिखा दें कहाँ है क्या कर रहे हैं। जो समझदार हैं वो नहीं करते हैं, मुझे पता है, जो फोन आता है रात में ना तो मैं जानता हूँ कोई ये छोटका लौंडा है, ये मुझे मालूम है 9th वाला होगा। देखो यार पर्सनल जिंदगी भी होती है, हाँ मान लो क्लास बंद हो गई 10-11 बजे, उसके बाद तुम 12 बजे वीडियो कॉल करोगे, कौन कहाँ है, कैसी अवस्था में है, तुमको कैसे दिखा दे बताओ। चलो सुरेंद्र सिंह ठीक है, बहुत अच्छे। हंसराज, दीपक, हाँ तो भैया ये आज आपका जो सेशन है मुझे लगता है हो गया ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 1st हो गया, क्वेश्चन नंबर 2nd हम लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग करके लाना, वैसे हो जाएगा।